कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं इसे समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जाम्पल क्वेश्चन है लेट्स फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ फोर एंड एटीन तो हमें फोर और एटीन के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे फोर के और फिर फैक्टर्स निकालेंगे एटीन के और इन दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हें कहेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ फोर एंड एटीन तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए आइए सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ फोर सो फैक्टर्स ऑफ फोर आर वन टू एंड फोर इसी तरह से एटीन के फैक्टर्स क्या होंगे वन टू थ्री टीन स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे फैक्टर्स नहीं लिख सकते डायरेक्टली तो इन्हें आप पहले फाइंड करेंगे वही मेथड जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है और फिर इन्हें ऐसे लिखेंगे अब हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं फोर एंड एटीन के अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, जो फैक्टर्स दोनों में प्रेजेंट हो। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं देखिए इधर वन एक तो दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन फैक्टर है इसी तरह से टू दोनों में प्रेजेंट है तो वो भी कॉमन फैक्टर है अब इन दोनों के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर यहां नहीं है तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ फोर एंड एटीन आर वन एंड टू तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ फोर एंड फिफ्टीन तो यहां हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं फोर और फिफ्टीन के तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ फोर वो क्या है वन टू एंड फोर अब हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन अब इन दोनों में देखिए इन दोनों फैक्टर्स में देखिए कि क्या क्या कॉमन है यहां सिर्फ वन ही कॉमन है राइट right? कोई और फैक्टर तो कॉमन है ही नहीं तो इसलिए हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ एंड इज स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है वो स्पेशल नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर्स तो फोर एंड फिफ्टीन दे आर को प्राइम नंबर क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है आइए को प्राइम नंबर के बारे में और समझते हैं so को प्राइम तो जैसे मैंने आपको अभी बताया दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ फोर और फिफ्टीन का अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं को प्राइम नंबर के थ्री सेवन फिफ्टीन ट्वेंटी टू नाइन टेन एंड थर्टी टू थर्टी थ्री अब आप थ्री और सेवन के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है तो ये को प्राइम नंबर्स है इसी तरह से ये बाकी तीनों पेयर्स भी को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है के के अब हम हम निकालेंगे। वो हैं तो सबसे पहले हम इन तीनों के factors लिख लेंगे। factors of 4 are 1, 2, and 4. इसी तरह से लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व और फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन क्या होंगे फोर एट एंड सिक्सटीन अब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं पहला है वन फिर टू और फिर है फोर इसलिए हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ फोर ट्वेल्व एंड सिक्सटीन आर वन टू एंड फोर तो इस तरह से आप तीन नंबर्स के भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं चार नंबर के भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कंसेप्ट वही है सेम पहले आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स फाइंड करने हैं हर एक नंबर के और फिर उन सब में जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है आइए अब मैं आपको बताती हूं वॉट आर कॉमन मल्टीपल्स अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं फाइन कॉमन मल्टीपल्स एंड सिक्स तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं फोर और सिक्स के मल्टीपल्स एंड सो ऑन शूटिंग मल्टीपल्स तो एंडलेस होते हैं तो हमने इनको यहाँ सिर्फ थर्टी सिक्स तक ही लिखा है अभी नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ सिक्स सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन इसी तरह सिक्स के भी मल्टीपल्स एंडलेस हैं पर हमने उन्हें सिर्फ फोर्टी टू तक ही लिखा है अब इन मल्टीपल्स को देखिए और बताइए कि इनमें कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हैं? ध्यान से देखिए पहला है ट्वेल्व फिर ट्वेंटी फोर नेक्स्ट थर्टी सिक्स अगर हम इन मल्टीपल्स को और आगे लिखें तो इनमें और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे पर स्टूडेंट्स आपको यूजुअली एग्जाम में यह दिया जाता है दैट फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स और फाइंड फर्स्ट फाइव कॉमन मल्टीपल्स तो उसी हिसाब से आपने टेबल को लिखना है आइए अब इसका आंसर लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स एंड सिक्स ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड सो ऑन सो ऑन क्यों क्योंकि ये मल्टीपल्स एंगलेस हैं तो इनमें आगे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो भी एंगलेस होंगे लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री फाइव एंड सिक्स इस क्वेश्चन में हमें पहला कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है थ्री फाइव और सिक्स का यानी हमें पहले इन तीनों के मल्टीपल्स लिखने हैं और उसमें से पहला कॉमन मल्टीपल बताना है सो लेट्स राइट मल्टीपल्स ऑफ थ्री फर्स्ट थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड टिल थर्टी ये हमने थर्टी तक लिख लिया है इधर इसी तरह से फाइव के लिख लेते हैं मल्टीपल्स ट्वेंटी एंड सो ऑन सिक्स के मल्टीपल्स थर्टी एंड सो ऑन अब इनका कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए ध्यान से सारे मल्टीपल्स को देखिए कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो इन तीनों मल्टीपल्स में प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल तीनों मल्टीपल्स में प्रेजेंट हो जाना चाहिए ना कि सिर्फ दो मल्टीपल्स में अगर आप 15 सोच रहे हैं पर फिफ्टीन तो सिर्फ थ्री और फाइव में ही प्रेजेंट है वो सिक्स के मल्टीपल्स में नहीं है तो फिफ्टीन कॉमन मल्टीपल नहीं है इनका तो देखिए कौन सा ऐसा है यस थर्टी थर्टी एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों के मल्टीपल्स में प्रेजेंट है इसलिए हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री फाइव एंड सिक्स इज थर्टी अब अगर आपको नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए कहा जाए इन तीनों का तो आप क्या करेंगे आप इन तीनों के टेबल्स को आगे लिखेंगे और आप पाएंगे कि नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 60. ओके स्टूडेंट्स तो नाउ आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स